मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को सातवीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आपके परीक्षाएं जो है सोमवार से प्रारंभ हो रही हैं, तो उसके तहत हम जो है सभी अध्यायों का फिर से जो है संक्षिप्त में याद रहे ऐसे हम विवरण जो है कर रहे हैं, और ये आपको कहानी के रूप में याद रखना है ताकि आने वाले परीक्षाओं में इसका उत्तर जो है प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे सके। जैसे कि आपने देखा अभी तक जो है हमने 1 से लेकर 16 अध्यायों का अध्ययन किया संक्षिप्त में। आज हम हिंदी वल्लरी के अंतर्गत पाठ संख्या 17, जिसका शीर्षक है सिकंदर राव पुरुरवा। पुरुरवा ये जो है इस कथा के नायक बन गए। सिकंदर इस कथा में प्रारंभ में जो है नायक थे, और दोनों जो है अच्छे मित्र बन जाते हैं। सिकंदर जो है यानी अलेक्जेंडर जो कहते हैं आप, सिकंदर जो है बहुत सारे जो है पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे? अरस्तु यानी अरिस्टोटल। ठीक है, तो सिकंदर जो है बहुत सारा उनसे ज्ञान जो है हासिल किया था, और कहीं ना कहीं शूरवीर होने के कारण उन्हें एक आशा जग गई कि पूरा विश्व को मैं जीत सकता हूँ। तो जीतने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ता है, यदि सैन्य सैन्य दल को जो है आपको लेकर जाना पड़ता है। ऐसे ही पूरे विश्व को जीतना है तो आप अकेले जाकर नहीं जीत पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपके साथ जो जितने भी योद्धा हैं उनको लेकर जाना पड़ता है। तो एक दिन में पूरा विश्व तो नहीं जीत सकते, और एक दिन में पूरा जो है कोई भी दूसरे अन्य देश को पहुंचना भी नामुमकिन है। तो बीच में आहार का भी यानी उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, तभी आप जो है पूरे विश्व को जीत सकते हैं। देखिए, केवल युद्ध करना ये आपको लगता होगा, लेकिन रात भी होती है, सोना भी होता है। रात में युद्ध नहीं करते हैं, और युद्ध करते हैं तो उन्हें भूख भी लगती है, तो खाना भी देना पड़ता है। इन सारे चीजों को आपको याद रखना है। ये अपने देश से दूसरे देश को जा रहे हैं युद्ध के लिए, तो वहां पर खाना भी खाना आवश्यक होता है। इन सारे चीजों को लेकर जो है सिकंदर, जैसे कि अन्य देशों पर उसने विजय प्राप्त किया था, तो उसी बीच जो है वे अब किसकी ओर प्रस्थान किए हैं? भारत देश की ओर प्रस्थान किए, जो अखंड भारत था। तो कहीं ना कहीं उसे दिमाग में ये था कि भारत में जो है राजा आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसी भावना किसमें थी? अलेक्जेंडर में थी, यानी सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर को ये बात से क्या समझ लिया उसने कि आपस में झगड़ते हैं तो हम उनको आराम से हरा देंगे, लेकिन इसके विरोध में जो है इसके लिए अपवाद था पुरुरवा। वो भारत की अखंडता को दिखाना चाहता था, और किसी भी अन्य यानी आपस में झगड़ते होंगे, दुश्मन होंगे, लेकिन दूसरे कोई तीसरा कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके प्रति जो है शूरवीर से लड़ना, अपने आपसी जो विरोध है या कोई घृणा है वो नहीं बताना है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें और भी एक सीख मिलती है कि एकता में बल है, और ठीक है,
और राष्ट्र प्रेम की भावना जो है जगाता है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति, देखिए आपका भारत देश में बहुत सारे ऐसे जो है कुरुकृतियां चल रही हैं, आपसी संघर्ष हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको जो है किससे सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो आप सभी जो है देश के प्रति जो है लड़ना या देश के प्रति देश का सिर ऊंचा करने में आप जरा भी जो है हिचकिचाना नहीं है। तो देखिए, यदि आप दूसरे देश में जाएंगे, आपको किस देश के नाम से जानेंगे? भारत देश, ठीक है? तो इसीलिए उसकी बुराइयां न करते हुए आपको अच्छाइयां ही जो है बताना है। देखिए, केवल अच्छाइयों को लेकर आप चलेंगे तभी जो है देश उद्धार होगा। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो अच्छे नहीं होती हैं, थोड़े होते हैं, तो उसके ऊपर ही आप ध्यान दिया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 100 में से 1 मिस्टेक करते हैं तो उस मिस्टेक को आप देखते बैठेंगे, उसके लिए सुधार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसी मिस्टेक को आप कोसते रहेंगे तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सिकंदर के दिमाग में है कि भारत के जितने भी राजा महाराजा हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, आपस में मदद नहीं करते हैं, ये इतना ही उसे पता था। जब भारत देश पर उन्होंने सेना लेकर जो है युद्ध किया, उस समय बहुत ही शूरवीरता से जो है पुनर्वा युद्ध करता है, तो इससे आपको यहाँ पर ये भी सीख मिलती है कि पुनर्वा की वीरता, देशभक्ति और एकता के प्रति जो किस तरह उसने अभिवादन किया, इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में देना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिकंदर जो है पुरवा भारत के ऊपर जब युद्ध करने आ गया तो पुरवा से उसकी युद्ध होती है, उस युद्ध में पुरवा जो है उसकी पराजय होती है और वो बंदी बन जाता है। उसी बीच जो है यहाँ पर संवाद चलता है। ठीक है, तो संवाद में आपने देखा कि सेनापति जो है महाराज की जय कहते हुए, यानी इसका मतलब ये है कि पहले ही शिविर में, यानी जहां भी युद्ध करना होता है उससे थोड़ा दूर पर आपको एक जो है तंबू बांधना पड़ता है, टेंट जो कहते हैं ना, ये इतना बड़ा तंबू था, वहां पर सिंहासन था, सिकंदर का उस सिंहासन पर बैठा हुआ था। अभी बंदी जो है पुरुरवा अंदर आने आने वाले थे, जो सेनापति उसे बंदी बनाकर ला रहे हैं, तो जय जयकार होता है सिकंदर का। अभी सिकंदर जो है पुरुरवा से कह रहा है, देखकर उसे मंद मंद हंस रहा है। उसी बीच पुरुरवा जो है सिकंदर को देखकर जो है कहता है कि मैं भारत वीर यवन यवन राजा का अभिवादन करता हूँ, यवन राजा यानी सिकंदर का अभिवादन। देखिए, ये एक तो बंदी बन गया है, इसका मतलब ये है कि पराजय हो गया है, लेकिन इसने क्या कहा, भारत वीर, मैं भारत वीर। कुछ सिकंदर को कुछ ये बात जो है खलने लगी, कुछ अच्छा नहीं लगा। बंदी होकर भी सिकंदर जो है वीर कह रहा है, तो सिकंदर कहता है आगे कि मेरी मैत्री संधि आपने क्या कर दी, अस्वीकार करने का तात्पर्य यानी कारण क्या है पूछता है। तो पुरुरवा कहता है कि अपने राज की रक्षा करना आत्मसम्मान की बात होती है, आत्मसम्मान यानी आपका गौरव की बात होती है कि रक्षा करना, तुम यानी यहाँ पर सिकंदर जो है आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर मित्रता द्वारा भारत को तोड़ना चाहते हैं। पुरुरवा यदि मित्र बन गया दूसरे राज्य पर, ये क्या करेंगे, राजा पर जो है युद्ध करेंगे पुरुरवा की सहायता से, तो वहां पर जो है पुरुरवा का दुश्मन जो है वो क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, तब कौन अकेला पड़ेगा, पुरुरवा। तो इसका मतलब यहाँ पर जीत किसकी हुई, सिकंदर
सिकंदर की हो जाती, अपने आप जो है दुश्मन जो है पराजय हो जाते, इसीलिए ये बात जो है पुरवा जानता था। हाँ, मैं तो अपने देश की जो है राज्य की रक्षा करूंगा, और आप क्या कर रहे हैं, मित्रता के द्वारा इस भारत देश को तोड़ने का काम जो है आप तोड़कर जो है जीतने का सोच रहे हैं। सिकंदर कहता है गुस्से से, ये जो आप कह रहे हैं ये सब जो है सत्य के विरुद्ध है, ठीक है, ये कोई सच नहीं है, ये सत्य के विरुद्ध है। मुझे जहां तक पता है कि यहाँ के राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं, द्वेष यानी घृणा करना, आपस में झगड़ना, ठीक है। पुरुरवा इन बातों को सुनकर जो है चुप नहीं रहता है, वो कहता है कि यह जो है ये बात या विचार जो है आपका होगा। बाहरी शक्ति हस्तक्षेप किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है, यानी भारतीय भारी शक्ति, यानी सिकंदर जो है बाहर से आए हुए थे, तो ये असहनीय है, यानी सहन नहीं किया जा सकता बाहर से आने वाले, ठीक है। भारत की एकता क्या है, सुदृढ़ है। तो फिर से सिकंदर थोड़ा सोच में पड़ता है और कहता है कि मतलब इसका मतलब भारत विजय, मेरा जो भारत विजय है वो कठिन है। फिर से पुरुरवा कहता है कि कठिन ही नहीं असंभव है, कहता है असंभव। तो अभी ये बातें सुनकर जो है पहले ही पुरुरवा बंदी बनना है और ऐसे बात कर रहा है, सिकंदर को गुस्सा आ जाता है। रे दम्भी कहता है उसे, दम्भी यानी घमंडी, अहंकारी, पाखंडी, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजय सिकंदर के सामने खड़े हो। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं उनके नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुरवा कहने पर उसे गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं विश्व विजय जो है सिकंदर के सामने आप खड़े हो। जानता हूं, कहता है सिकंदर उस बात को, क्या कहते हैं, जानता हूं, किंतु सत्य सत्य ही होता है। देखिए तो क्या कहता है, सत्य सत्य ही होता है। तो भारतीयों के लिए क्या है, जननी जन्मभूमिच्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमिच्च स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक है। जन्मभूमि हमें क्या है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तो पहले तो पुरवा जो है बंदी बनकर आता है, तो उस समय सिकंदर पूछता है कि तुम्हें किस तरह मैं देखा जाए आपको, तो वो कहता है कि मुझे वीर की तरह देखने के लिए कहता है, कैसे, तुम तो पराजय हो गए हो। तो उस बात पर पुरवा कहता है कि शेर जो है क्या है, सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वो जंगल में हो या पिंजरे में, उसका नाम जो है आप चेंज नहीं कर सकते, यानी बदल नहीं सकते, ये बात मैंने बोलना रह गया था। तो इसी बीच जो है पुरवा जो अभी यहाँ पर सिकंदर सोच कर कहता है, तुम हमारे बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो यहाँ पर है जो क्षमा कीजिए, वहां पर जो है केवल सिंह, सिंह तो सिंह होता है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या कह रहा है सिकंदर, अभी तुम्हारे जो है तो आप बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो पुरवा कहता है, जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, एक वीर जो है दूसरे वीर के प्रति कैसे जो है बर्ताव करता है वैसे करो। तो सिकंदर इस बात को सुनकर जो है बहुत ही हर्षित हर्षित हो गए, संतुष्ट हो गए, और तो उस समय उनकी आंखें जो है खुल गई और कहता है, ठीक है वीर, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि, सेनापतियों से
इन बातों को कहते हुए सेनापति से देखकर जो है, सेनापति ऐसे कहता है, सेनापति जो है उसके बातें सुनकर सम्राट कहता है, तो सिकंदर कहता है कि इस वीर की जो है बेड़ियां जो आपने बांधी हैं उसे निकाल दो। वीर पुर्रवा जो है अभी बंदी से जो है मुक्त हो गया है, और दोनों जो है आलिंगन करते हुए यानी गले मिलते हुए यहाँ पर ये जो है एकांकी खत्म होती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह जो है ये एकांकी जो है खत्म हो जाती है। तो अंत में आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह गले मिलते हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरह गले मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो मेरा ये, मुझे लग रहा है कि ये मेरा लास्ट पीरियड है, इसके बाद आपका जो है टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम है, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं।